ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज है 9 सितंबर 2020, वेनसडे है, सुबह के 8:36 हो रहे हैं। तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। लास्ट हफ्ते से हम देख रहे हैं कमजोरी बाजार में देखने को मिल रही है, एक प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो बॉर्डर पे यहाँ पर इंडिया चाइना के बीच में तनाव पैदा हो चुका है, उसके मद्देनजर एफआईआई को देखिए, एफआईआई काफी बड़ा रोल प्ले करता है इंडियन मार्केट्स में, तो वो काफी कॉशियस है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर वहां पर बॉर्डर पे तनाव होता है तो एफआईआई के जो इन्वेस्टर्स है वो अपना पैसा तुरंत निकाल लेंगे। हमने 31 अगस्त को देखा, जैसे ही न्यूज आया तो किसी किस तरह से गिरावट देखने को मिली हमें, ऊपरी स्तर से करीब 500 पॉइंट की गिरावट, यानी ट्रेलर ऐसा था, एक न्यूज के वजह से इतना रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अगर सच में वहां पर कुछ तनाव की स्थिति पैदा हो जाए, कल भी एक फायरिंग की न्यूज आई थी, तो यहाँ पर एक प्रेशर बनता हुआ दिखा रहा है। बुल्स भी कॉशियस है अभी एंट्री करने के लिए मार्केट में, और यहाँ से अगर प्रीवियस लो को ब्रेक करता है निफ्टी इंडेक्स तो यहाँ से और भी प्रेशर देखने को मिलता है। तो आज के निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 8 सितंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,406 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,292। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स रेंज के बीच में यहाँ पर ओपन हुआ, और जैसे ही टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ ये बढ़ा तो फर्स्ट टारगेट हमारा 11,427 ये अचीव हुआ ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद, और काफी देर इसी रेंज के बीच में ये ट्रेड हो रहा था। ये जो फर्स्ट टारगेट का लेवल निकाला था काफी एक्यूरेट साबित हुआ, इसी को ये काफी देर पेनेट्रेट कर रहा था, एक बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, और यहाँ से ट्रिपल टॉप बना कि ये जब नीचे आया और इस नेक लाइन को इसने टूवर्ड्स साउथ की तरफ इसको ब्रेक कर दिया, ये नेक लाइन बन रहा था, और इसको जैसे ब्रेक किया ये जबरदस्त तरीके से टूवर्ड साउथ की तरफ आया, और एग्जैक्ट हमारा ब्रेकडाउन लेवल था इसी के पास आके इसने सपोर्ट टेस्ट किया, तो काफी एक्यूरेट लेवल साबित हुए। और कल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ये प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 12 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट के हिसाब से ट्रेड करते तो अराउंड 9,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के भी हालात देख लेते। कल अमेरिकी बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, जो टेकी कंपनीज थे उसमें काफी प्रेशर देखने को मिला। नासडैक करीब 465 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट में भी लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है। एशियाई बाजार एसजीएक्स निफ्टी देखे तो 50 पॉइंट्स की गिरावट दिखा रहा है। जापानीज इंडेक्स 365 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। लगभग हर एक एशियाई बाजार इस समय लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर को भी देखे तो हल्की सी इस समय कमजोरी दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में वीक सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। ये वीकली चार्ट है, जैसे कि हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन को ड्रॉ किया था, तो 123.6% का ये जो लेवल था यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके इसने बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को यहाँ पर क्रिएट किया है। तो अभी यहाँ से अगर और एक बियरिश कैंडलस्टिक क्रिएट होता है, और ये जो 11,200 है जहां पर हमने देखा था, यहाँ पर 3-4 वीक यहाँ पर कंटिन्यूस इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, तो 11,200 को अगर ब्रेक करता है निफ्टी इंडेक्स तो हमें नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल, जहां पर ये तीनों मूविंग एवरेजेस यानी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये तीनों क्लब हो रहे हैं अराउंड 10,830 के पास, यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स का एज पर वीकली चार्ट नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है। मंथली चार्ट में 20 EMA 10,890 के आसपास आ रहा है,
10,900 टू 10,850 के पास सपोर्ट जोन होगा अगर 11,200 को निफ्टी इंडेक्स ब्रेक करता है तो। ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है, ये बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न जो बना है। लेकिन उसके बाद कंफर्मेशन के लिए अभी दो चीजें होंगी, एक तो यहाँ पर बियरिश कैंडल ऐसा बनाना होगा और ये जो सपोर्ट है यहाँ पर 11,200 का, ये अगर कंफर्टेबली ब्रेक होता है तो निफ्टी इंडेक्स और नीचे आ सकता है। तो टेक्निकली एज पर ये सपोर्ट लेवल्स यहाँ पर बन रहे हैं वीकली चार्ट के हिसाब से। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट की हम बात करें तो लास्ट तीन दिन से एक रेंज बन रहा है, इस रेंज के अंदर ये ट्रेड हो रहा है। जो ये फ्राइडे का ये जो हाई और लो का कैंडल बना था, दोजी जैसा पैटर्न बना था, बोरिंग कैंडल्स भी इसे कहते हैं। यहाँ पर देखे तो इस हाई और लो के रेंज में ये ट्रेड हो रहा है लास्ट दो दिन से, मंडे ट्यूसडे आज वेनेसडे है। तो अभी इसका हाई और लो यहाँ पर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का काम कर सकते हैं। इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो निफ्टी इंडेक्स और यहाँ से नीचे की तरफ हमें फिसलता हुआ दिखाई दे सकता है। हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था इस लो और इस टॉप को पकड़ के। तो नीचे इस समय 11,230 के पास 61.8% का लेवल आ रहा है। तो ये 50 और ये 61.8% काफी क्रूशियल रेशियोज होते हैं, यहाँ से हो सकता है बाउंस बैक करें। लेकिन अगर ये लेवल्स को भी ब्रेक करता है तो निफ्टी इंडेक्स और भी टूवर्ड साउथ की तरफ आ सकते हैं। और एज पर डेली चार्ट 50 एमए 11,084 के पास आ रहा है, तो 11,100 हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा एज पर डेली चार्ट। वीकली चार्ट लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट है, उससे कम वाला टाइम फ्रेम देखे तो डेली चार्ट में 11,100 के पास सपोर्ट आ रहा है। तो 11,230-200 क्रूशियल सपोर्ट होगा, ये ब्रेक होता है तो निफ्टी इंडेक्स में और यहाँ से प्रेशर देखने को मिल सकता है बढ़ता हुआ। चलते 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे क्विकली। डेली चार्ट में देखा हमने तीन दिन से ये एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमें देखने को मिल रहा है, इस रेंज के बीच में ही ऊपर नीचे हो रहा है तीन दिन से। तो अभी यहाँ पर अगर टूवर्ड साउथ की तरफ अगर ये चला जाता है तो हो सकता है गैप डाउन ओपन हो। तो ये जो रेंज बन रहा है इसका लोअर बैंड अराउंड 11,258 के पास बन रहा है, जहां पर आज पिवट पॉइंट का S1 का लेवल आ रहा है। तो इस लेवल को कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,233, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,213, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो पिवट पॉइंट का ये जो लेवल है अराउंड 11,348, इसको अगर ब्रेक करता है, आप देख सकते हैं पास्ट में अभी कुछ दिनों पहले जो फॉल आया था 31 अगस्त को, तो एग्जैक्ट इसी लेवल के पास से यहाँ से ये बाउंस बैक होने की कोशिश की थी। तो ये जो सपोर्ट का यहाँ पर लेवल बन रहा है, हो सकता है अभी रेजिस्टेंस का लेवल बने, तो इसको कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,367, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज आर्ली चार्ट के हिसाब से अराउंड 11,387 के पास है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। ये वीडियो एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।